गाइस मुझे अभी अभी खबर मिली है कि दरिया सतलुज में ना हमारे घर से पानी क्रॉस करने वाला है, और वो सेंटर में एक रैंप था और रैंप को तोड़कर पानी गुजरने वाला है। तो चल के आपको दिखाते हैं कि रैंप किस तरह से, ये बंदे मेरे पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं ओके स्पीड से। ये देखें ये देखें ये देखें, और ये रहा पानी, ये देखें जी, ये आप पानी देख रहे हैं, पानी की जगह पर ठहरा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि ये चीज़ यह है, इन दोनों के दरमियान जो रैंप बना पड़ा था, पहले एक बार दिखा चुका हूँ, इस रैंप की वजह से पानी यहाँ पे रुक चुका है। तो गाइस बात कुछ यूँ है कि अभी पानी को देर है, तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे लगेगा आप होने में, और मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ क्योंकि शूटिंग पे थे, तो अभी मैंने नाश्ता करना, जब तो नाश्ता करना, नाश्ते करने के बाद इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। अरे अरे गाइस हम बना रहे थे टिकटॉक, आप मेरी सेटिंग देख रहे होंगे, तो अचानक से फ़ोन आया कि भाई वो बांध तोड़ रहे हैं, और प्लस शदाद भाई वो रहे, और ये मैं जा रहा हूँ, वो रही किश्ती, आपको नज़र नहीं हो रही, फिलहाल तो मुझे भी नज़र नहीं आ रही, पहुँच के दिखाता हूँ। हैं अगर मन पाए होगा तो हमारी बाइक रुकती नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो जी ये पहुँचे, सुबह से हम इसका वेट कर रहे हैं कि यार कब ये क्रॉसिंग करेगा, लेकिन पानी तो माशाल्लाह काफ़ी ऊपर आ गया। वो हमारा सलीम भाई ब्लॉगर भी उधर पहुँच चुका है, अकेले में ब्लॉगिंग कर रहा है, और आज हम वेट कर रहे हैं। क्या आग्रह है हाल थोड़ा कम है, सही है कि गाल ये पुराना कहीं शदीद होल पान को खतरा सर उठे दे पे है। क्या चीज पानी हाथ तो ज्यादा थी के दो से पास तलवा पास और कम कढने पे नहीं, खुद के लुणा देवा ना, खुद को मसले वाले टोल लाग बसी वाल गड्ढा हलाक से तो बेड़ी का खर्च। सही 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 सही, बेड़ी दा इशू बढ़ सी। तो गाइस ये देखिए कि माशाल्लाह से कितनी आवाम इकट्ठी हो चुकी है, इतनी सारी आवाम है, ये वेट करिए कि आप इसको यार हम तोड़ देते हैं खुद। ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, कहाँ थोड़ी रस्ता है, थोड़ा जी रस्ता है, आओ ये असा नहीं थी खड़ने उंदा कोई रोला गया नहीं, बंद कर दे होनी टाइम है, नहीं लुड़या तो क्यों गले दे पे बंद, चलो ठीक है सही बंदे दा क्यों जुलम पे कर यार, लंगदे पे जरे लुड़या वे दी लुड़या वे इन अचानक कि मतलब धाक न लग जाए, तो फाइनली जी डेडलाइन फैसला हो चुका है, मामा फजल फिर से आ गया, हटी हटी सरज मलेशिया आप तो जमीन देने भी कमाता, पहला जवानी या दरिया गलोड़े ओ पानी का परे का काम थी नहीं ज्यादा मार ओ यार टुक्का वाला पर हो जाऊं टुक्का बताओ ए ए हम खा जाते हैं बहुत 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 तो गाइस पानी बात है ना, पानी अभी वेट कर रहा था लेकिन लोगों ने वेट नहीं किया, उन्होंने इसको तोड़ दिया है, अब देखे पानी माशाल्लाह कितना स्पीड से जा रहा। हां और गाड़ी कर इतने केड़ी चले ना भी गाड़ी खा आया तरीके ना भी Thank you.
चलो यार एक कश्ती तारना गिने पहले। तो गाइस बात यह है कि फाइनली आपको सारा कुछ दिखा लिया है। एट द एंड सीन ये है कि इधर किश्ती थी तो जो इसको क्रॉसिंग करवाते हैं वो किश्ती ठेल रहे थे, तो हमने कहा आपको जरूर दिखाते हैं, आइए ना। तो गाइस अभी पूछते हैं किश्ती वाले से कि यार उसको दरिया की खुशी है, गम है, क्या है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। हावे साहब क्या हाल है? मैं तुम्हारे को जपरे पर भेज दो मर्जी ऐसी तुम्हारी वाली इतनी दूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ किश्ती आनी सेट करी वगैन में कराई? अच्छा दरिया दे आवन दी खुशी है या कहना? बहुत सारी है। बड़ी खुशी क्या है सब तो? सब बड़ी खुशी है जो बेड़ी खुश के थे यहां पे आना तारती गन। माशाल्लाह तो जानवर भुख तरसाए पे ओ गर्मी شدید है। खुशहाल थी गन। सही गर्मी जरी है हवा गोल के माशाल्लाह ठंडी हुन यानी आवाम की खिदमत फुल फुल थी जी। बिल्कुल बिल्कुल फुल खिदमत कर रही। अब इन लोगों का भी अच्छा सिस्टम चलेगा, हमारा भी अच्छा सिस्टम चलेगा, एंजॉय करेंगे। और ये थे मेरे आज की छोटी मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूस नहीं करनी चाहिए आपको, अभी सब्सक्राइब करें ताकि दरिया के हवाले से मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। सो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। सादी